प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम आपकी क्लास फिफ्थ का कार्यपत्रक करेंगे बच्चों। 43, ठीक है? 43 नंबर्स हमारी वर्कशीट है। तो सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है और डेट लिखनी है, ठीक है? अब तक बच्चों हमने जो 42 वर्कशीट है वो कंप्लीट कर लिए हैं। उनमें बच्चों हमने सब में व्याकरण की है। व्याकरण के हर सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया है। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको देखकर अपनी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। अधिगम क्षेत्र है बच्चों पढ़ना, पढ़कर समझना व लिखना, और अधिगम बिंदु है दृश्य सामग्री को समझकर उससे संबंधित प्रश्न तैयार कर पाना। तो बच्चों आज आपको क्या करना है? आज आपको आंसर नहीं देने हैं, यानी प्रश्नों के उत्तर नहीं देने हैं, बल्कि चित्रों को देखकर प्रश्न बनाने हैं, ठीक है? आगे तो पहले मैडम प्रश्न बनाती है, आप उत्तर देते हो, लेकिन आज क्या करना है आपको? आज आपको क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है बच्चों? तो पहले आप क्या करोगे? चित्रों को देखोगे, ठीक है? कि चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? आपको अपनी इच्छा से 5 प्रश्न बनाने हैं। तो बच्चों जैसा मैंने आपको बताया है कि हमें चित्रों को देखकर प्रश्न बनाने, ठीक है? तो आप चित्र में देखो, 3 बच्चे हैं, सामने उनके क्या दिख रहा है? डस्टबिन है, यानी कचरा पात्र। आपके घर में भी होगा कचरा डालने वाला, तो आपको पता ही होगा। तो बच्चों, और आपको कचरा पात्र दिख रहा है, नीचे साथ में झाड़ू भी दिख रही है, और नीचे आप देख रहे हो बच्चे कि बच्चे उस कचरा पात्र में कचरा फेंक रहे हैं, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है? इन चित्रों को देखकर प्रश्न बनाने। तो पहला बच्चों प्रश्न बनता है हमारा, बच्चे किससे बात कर रहे हैं? बच्चे किससे बात कर रहे हैं? तो बच्चों आप इसका आंसर भी आसानी से बता सकते हो, प्रश्न भी आप बना सकते हो और आंसर भी अपने आप दे सकते हो। पहला हमें यहाँ क्या करना है? सिर्फ प्रश्न बनाने हैं, ठीक है? आंसर मैं आपको वैसे बोलकर बता देती हूँ। तो पहला प्रश्न बन गया बच्चों, बच्चे किससे बात कर रहे हैं। अब दूसरा बनाते हैं बच्चों कि कूड़ादान या कचरा पात्र, ठीक है? कूड़ेदान और कचरा पात्र बच्चों एक ही होता है, इसके नाम अलग अलग होते हैं। कूड़ेदान या कचरा पात्र किसे कहते हैं? तो बच्चों किसे कहते हैं कचरा पात्र? कचरा डालने के पात्र को कूड़ेदान या कचरा पात्र कहते हैं, ठीक है? तो ये दूसरा प्रश्न हमने बनाया है, कूड़ेदान किसे कहते हैं? बच्चों देखो, ये जो जो चित्र में आ रहा है ना, उसी को देखकर ही क्वेश्चन बने जा रहे हैं। अब तीसरे चित्र में बच्चे क्या कर रहे थे? तो हमने क्वेश्चन बना दिया, बच्चे कचरा किस में फेंक रहे हैं? बच्चे कचरा किस में फेंक रहे हैं? इसका आंसर आपको पता ही है बच्चों, बच्चे कचरा पात्र में कचरा फेंक रहे हैं, आपने देखा था ना। तो तीसरा प्रश्न बच्चों बन गया, बच्चे कचरा किस में फेंक रहे हैं? अब चौथा प्रश्न है बच्चों, कचरा पात्र यानी कूड़ेदान क्या काम करता है? तो क्या काम करता है बच्चों? अब कूड़ेदान आंसर मैं आपको बोल के बता देती हूँ, ठीक है? पहले प्रश्न बना लेते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे काम तो प्रश्न बनाना है, लेकिन आपको आंसर भी पता होने चाहिए, ठीक है? कूड़ेदान क्या काम करता है? कूड़ेदान गंदगी को अपने पास इकट्ठा करके लोगों को बीमारियों से बचाने का काम करता है, ठीक है? ये कूड़ेदान ये काम करता है, बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। अब बच्चों पांचवा प्रश्न बनाते हैं, कूड़ेदान किन किन चीजों के बने होते हैं? कूड़ेदान किन किन चीजों से बने होते हैं? बच्चों ये जो कूड़ेदान है वो प्लास्टिक, टीन, स्टील, लोहे व गत्ते के भी बनाए जाते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न बच्चों, एक मैं आपको एक्स्ट्रा ही बता रही हूँ, एक दो और बताऊंगी, तो आपको जो क्वेश्चन अच्छे लगे आप लिख लेना। कूड़ेदान किसका संकेत संदेश देता है? कूड़ेदान किसका संदेश देता है? तो
तो बच्चों कूड़ेदान हमें साफ सफाई का संदेश देता है, ठीक है, कि हमें हमारे आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। कूड़ेदान किसका संदेश देता है? अब बच्चों एक प्रश्न और, यदि कूड़ेदान का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? अगर हम कूड़ेदान का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? कचरा इधर उधर फेंका रहेगा, मक्खियां मच्छर आएंगे, उससे बीमारियां फैलेंगी, ठीक है। यदि कूड़ेदान का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? इससे बीमारियां फैलेंगी, ठीक है बच्चों। गंदगी फैल जाएगी हर जगह। तो एक क्वेश्चन बच्चों और है, कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों यहां पर तो एक ही कूड़ेदान दिखाया हुआ है, तो कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों कूड़ेदान है वो तीन रंग के होते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कितने रंग के होते हैं बच्चों, ठीक है। कूड़ेदान तीन रंग के होते हैं, ठीक है बच्चों, तो काला, नीला और हरा। तो इनका उपयोग अलग अलग कचरा फेंकने के लिए किया जाता है। तो फिलहाल हमारा जो यहाँ पर सब्जेक्ट था वो हमें यहाँ पर क्वेश्चन बनाने का था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने आपको एक्स्ट्रा बता दिए हैं, आप सब क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए और ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू, हैव अ गुड डे।